तो वो तो फील होता है इस देख देख के। जब मैं 8 साल की थी तो मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे मेरे आसपास आ जाते थे लंच के टाइम पे, मालूम करते थे चेहरे पे क्या हो रहा है। तो जब से मुझे एहसास हो गया था फिर मैं खेलने जाती थी, जब भी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे फिर घर पर आकर मैं अम्मी से कहती थी और अम्मी चुप करवाती थी मुझे। ये मेरा बर्थमार्क है, ये जन्म से ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। मैं 27 साल की हूँ जब से, ये बराबर यूँ की हुई है, इसमें ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है और ना ही फैलता है, बस ऐसे की ऐसे ही है। मैं बाल बनाती हूँ, आईने में देखती हूँ, काजल लगाती हूँ तो एक आँख में लगाती हूँ और एक आँख में नहीं, तो अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। कभी क्रीम लगाती हूँ, आधे चेहरे से सही लगता है और आधे चेहरे से अजीब सा लगता है। तो ये कभी कभी ऐसा ख्याल होता है कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है, और लड़कियों को इतना खूबसूरत बनाया हो, मुझे ऐसा क्यों बनाया। देना ही था तो बदन पे कहीं भी दे देता, लेकिन चेहरे पर ही क्यों दिया। वर्तमान की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने BA भी कर रखा है, जॉब की टीचिंग लाइन में करना चाहती लेकिन कर नहीं सकती, मेरे से फेस टू फेस बात भी नहीं हो पाती। मेरे में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, किसी से बात भी नहीं कर सकती चेहरे की वजह से। जब मैं छोटी थी अम्मी पापा सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे तो डॉक्टर ने जब मना कर दिया था कि इसमें तो बहुत खर्चा है और सेम टू सेम ऐसी स्किन नहीं होगी, इतना पैसा हमारे पास नहीं था इसलिए हम इलाज ही नहीं करवाया। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो, फैमिली में मेरे भाई बहन सब की शादी हुई है। इस बदमाश की वजह से सब मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो मुझसे शादी करेगा।